हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंदर फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री कैसे करनी है, अगर आप परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री आप कैसे पास करेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन करना है, तो ये टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। ये टैली प्राइम देख सकते हैं और ये एडिट लॉग वर्जन है टैली प्राइम का, और जैसे ये ओपन होगा तो हम सीधा कहाँ चले जाएंगे, एंटर हो जाएंगे परचेज वाउचर में। ठीक है, तो यहाँ से एजुकेशनल मोड पर जाकर के और सीधा हम कहाँ जाएंगे, परचेज वाउचर में। तो पहले तो वाउचर में जाएंगे, तो वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करेंगे। अभी हम हैं कौन से वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर के बाद अब हमें परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस करना है, या तो आप F9 प्रेस कर दीजिए, या यहाँ पर जो ये पट्टी सी बनी हुई है साइड में, एक टास्क पेन बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको परचेज पे क्लिक करना है। तो ये आ जाएंगे परचेज वाउचर में, और यहाँ पर आने के बाद जो सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, चूंकि मशीनरी परचेज की जा रही है, जैसे सपोज कीजिए मशीनरी ही परचेज की जा रही है, या कुछ और भी हो सकता है, ये जैसे कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, तो जिनसे परचेस किया जा रहा है वो क्रेडिटर पार्टी होगी, तो उस पार्टी का नाम यहां पर आएगा। तो ऑल्ट सी करके लेजर बनाना होगा। ठीक है, तो महेश ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी, और यहां पर एंटर करके आएंगे, और ये आएगा जो है सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कर देंगे, एंटर करके आएंगे, फिर एंटर करेंगे, एंटर, और फिर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, फिर एंटर करके नीचे आएंगे, और जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनका GSTIN आप फिल कर सकते हैं, मैंने फिलहाल इसे स्किप किया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आपको फर्नीचर परचेस करना है या फिर कंप्यूटर परचेस करना है, तो यहाँ पर कंप्यूटर ये मैं डाल देता हूँ, ये लिखा कंप्यूटर, ऑल्ट सी करके लेजर बनाया मैंने कंप्यूटर का, और इसे डालेंगे फिक्स्ड एसेट में। किसमें डालेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस तरीके से, और ये गुड्स है, तो यहाँ पे गुड्स ही रहेगा, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहां पर अब कंप्यूटर कितने का परचेस किया गया, तो वो प्राइस यहां पे आ जाएगी, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इस पर जीएसटी लगेगा, तो कैसे लगेगा, तो देखिए जो भी जीएसटी का स्लैब आपने निर्धारित किया होगा, जैसे मैंने निर्धारित जो किया है वो अभी आपको दिखाता हूं। यहां पे सीजीएसटी 1000 आ गया, तो एसजीएसटी कितना आएगा, वो भी सेम आएगा 1000। ठीक है, और अब इस तरीके से जाकर के आप एंटर करके और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे द फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट purchased PURCHASED, तो ये डाल दिया और इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। तो ये आपका फिक्स्ड एसेट हो गया, और ये चीज याद रखिएगा हमेशा जब भी आप एंट्री पास करते हैं तो, कि फिक्स्ड एसेट की एंट्री जब आप करेंगे तो आप जीएसटी रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं, अगर आपने बिजनेस के पर्पज से किया है तो। अगर आपने फिक्स्ड एसेट पर्सनल यूज के लिए परचेस किया है तो उसमें आप कोई भी जीएसटी फाइल करेंगे तो जरूर, लेकिन वो आपको रिटर्न नहीं आएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो रिटर्निंग के लिए ये जरूरी है कि वो बिजनेस से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड जो है फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, तो ये चीज ख्याल रखिएगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से परचेस की एंट्री पास हो जाएगी फिक्स्ड एसेट में। ठीक है,